पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप बेरी यूनिवर्सिटी को आपने टाइम निकाला और आज का सेमिनार आपने अटेंड किया। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि बेरी यूनिवर्सिटी की ये जो एफर्ट है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, अच्छी बात है जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उससे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा समझ आएगी और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उनको बता सकेंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और इन द लॉन्ग रन इसका बहुत फ़ायदा होगा। और सर ये बताइएगा कि आज का जो सेमिनार है वो कैसा रहा? जी अच्छा था, स्टूडेंट्स बड़े अटेंटिव थे जी। मैंने देखा कि बड़े गौर से बातें सुन रहे थे और उसके अंदर वाइब्रेंट थे और लोगों ने सवाल भी बड़े अच्छे किए, बड़े मज़े के, और कॉन्फिडेंस बहुत है स्टूडेंट्स के अंदर। ये वो कॉन्फिडेंस है जो हमारी क्लास में जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस वक्त नहीं होता था। आजकल न्यू यूथ जो है मीडिया पढ़ रही है, मीडिया के अंदर आ रही है, तो ये बताएं कि इनको किस तरीके से गाइड किया जाए? ये अगर पोलराइजेशन में पड़ गए तो कल को अगर ये टेलीविज़न पर आके बैठेंगे तो फिर क्या मैसेज आएगा? देखिए, इसको ख़त्म करने का तरीका एक ही है, इल्म, नॉलेज। नॉलेज होगा तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। जानवर और इंसान में फ़र्क सिर्फ नॉलेज का होता है। जानवर के पास लिमिटेड नॉलेज होता है और इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज होता है। अगर आप जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कम नॉलेज के साथ ज़िंदगी गुजारें, और अगर आप ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं, तो फिर आपका जो ब्रेन है 1300 cc का, इसके अंदर जो लोडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा लोड करें ताकि आप ह्यूमन बीइंग की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। इंसान किताब के बगैर मुकम्मल नहीं होता, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकेंगे, और अच्छे इंसान अगर आप नहीं बनेंगे तो आप एक अच्छी नस्ल भी क्रिएट नहीं कर सकेंगे।